अकल मान मेरी मेहमान तू है जान मेरी हुसन तेरा तौबा तो है गाइस इट्स मी संजय वेलकम बैक टू एस कॉमिक्स। दोस्तों फिर भी मुझे इस तरह का एक वीडियो दिखा, इस तरह का वीडियो अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल वे में आप इस वीडियो को बना सकते हो। इस तरह का वीडियो अभी के टाइम में इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए फर्स्ट सिक्योर वीपीएन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन के अंदर जाकर टैप टू कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करें, ये एप्लीकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस आप लोग क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर टच करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसे आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइस देखिए एक 8 सेकंड का वीडियो रहेगा, इसे आप लोग फर्स्ट ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद गाइस आप लोग देखिए नीचे एक ऑप्शन है ऐड ऑडियो, इस पर टच करें, एक्सट्रैक्टेड पर क्लिक कर लीजिए। अब 16 सेकंड का वीडियो रहेगा, इसे ऐड करते ऑडियो नीचे ऐड हो जाएगा। अब गाइस इसको आप लोग डिलीट कर लीजिए इस तरह से, एंड यहाँ पर 7 फोटो जो होते हैं साइड में एक प्लस का इस पर क्लिक करें, एंड गैलरी से आप लोग 7 फोटो सिलेक्ट कर लीजिए। तो गाइस मैंने यहाँ पर 7 फोटो सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करते आप लोग देख सकते हो 7 फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो हर एक फोटो को आप लोगों को फुल स्क्रीन में करना है, तो यहाँ पर गाइस हर एक फोटो फुल स्क्रीन में है। अब गाइस आप लोग क्या करें, फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन करना है 0.9 सेकंड, तो इस तरह से 0.9 कर लीजिए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट फोटो करना है 1.1 सेकंड, तो इस तरह से 1.1 सेकंड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट फोटो 1.4 सेकंड गाइस, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद फिर से 1.1 सेकंड एंड नेक्स्ट फोटो 1.4 सेकंड, इस तरह से गाइज 1.1 सेकंड एंड 1.4 सेकंड करके ऑल्टरनेट करके आप लोग हर एक फोटो का ड्यूरेशन कर लेना है। इसके बाद ये 1.1 सेकंड होगा एंड नेक्स्ट फोटो 1.4 सेकंड, मतलब ऑडियो जितना तक उतना तक कर लीजिएगा इस तरह से। अब इतना तक हो जाने के बाद गाइज आप लोग क्या करें, सभी फोटो में एनिमेशन ऐड करना, तो फर्स्ट फोटो पर क्लिक करें, नीचे देखिए ऑप्शन एक है एनिमेशन करके, इस पर टच कर लीजिए। उसके बाद गाइज कॉम्बो करके यहाँ पर ऑप्शन एक आएगा, उस पर टच करना है, एंड यहाँ पर जूम 2 करके एक एनिमेशन रहेगा, उसको आप लोग को ढूंढ लेना है। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर टाइम ले सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड करते जूम 2 करके एक एनिमेशन रहेगा, इसको आप लोग हर एक फोटो में जूम 2 एनिमेशन को ही यूज़ कर लेना है। इस तरह से फोटो पर क्लिक करें, जूम 2 पे एनिमेशन पे क्लिक करें, ठीक है, फोटो पर क्लिक करें एंड जूम 2 एनिमेशन पे क्लिक करें। इस तरह से गाइस आप लोगों को लास्ट तक हर एक फोटो में इसी एनिमेशन को ऐड कर लेना है। तो आप लोगों के सामने देखिए सभी फोटो में मैंने जूम 2 एनिमेशन को ऐड कर लिया हूँ। अब इतना तक हो जाने के बाद गाइस आप लोग फर्स्ट फोटो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जगह पर आ जाइए, बैक आइए, इफेक्ट पर क्लिक करें, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर गाइस आप लोग स्ट्रोब करके एक मिलेगा, उसको आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है। तो गाइज आप लोगों को ट्रेंडिंग पे इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ आइए, स्ट्रोब करके रहेगा, देखिए ये है, इसको आप लोगों को टच करके इस तरह से खींच के लास्ट तक कर लीजिएगा। अब स्ट्रोब ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को सेकंड फोटो जहाँ से स्टार्ट इस जगह पर आ जाना है, उसके बाद फिर से वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज एक इफेक्ट आप लोगों को और ऐड करना है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा इफेक्ट है। तो गाइज इस तरह से स्प्लिट फिल करके इस तरह का एक इफेक्ट है, इसको ऐड करना है, एंड ऐड करने के बाद ये जो है इसको आप लोगों को सेकंड फोटो के नीचे ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से। अब इसको कॉपी करना है, थर्ड फोटो को छोड़कर फोर्थ फोटो के नीचे ऐड करना है, तो इस तरह से आप लोग खींच के फोर्थ फोटो जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इस जगह पर यहाँ पर ऐड कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप लोग इसे कॉपी करना है एंड एक फोटो को छोड़ के इस तरह से ऐड कर लीजिए, ठीक है। और गाइज इस वीडियो में कुछ भी नहीं करना है, आपका जो वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।